हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैंडिड आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन का सॉल्यूशन वीडियो, जिसकी यूनिट 2 अलजेब्रा का चैप्टर 6 प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 6.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। और इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, और अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ से आप बाकी के वीडियोस जाकर देख पाएंगे आसानी से। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अ होटल बिल फॉर अ नंबर ऑफ पीपल फॉर ओवरनाइट स्टे इज 14,400। If there were 4 more people, the bill each person had to pay would have reduced to ₹600. Find the number of people staying overnight. ठीक है, तो हमें जो amount of bill pay करना है, that is ₹14,400. ठीक, तो हम यहाँ assume कर लेते हैं, let the number of people staying overnight be x, ठीक है। So amount to be paid by each person, हर एक person कितना pay करेगा, 14,400 को हम x में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमसे कहा गया है 4 और लोग आके जुड़ गए, सो दिस वॉज केस 1। अब हम केस 2 के लिए नंबर ऑफ पीपल अब हो गए x प्लस 4। ठीक है, सो अमाउंट टू बी पेड by each, that will be 14,400 divided by x plus 4. तो अगर हमारे पास 14,400 upon x से अगर हम ये माइनस कर दें, that is x plus 4, तो हमें ₹600 मिल जाएंगे अलग से। तो हम यहाँ पर 14,400 कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4, यहाँ आ जाएगा x प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 600। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 6 टू ज़ा 12, 6 फोर ज़ा 24। ठीक है, यहाँ पे ये x से x कैंसिल, ये आ जाएगा 24 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ ले गए, तो हमारी इक्वेशन बन गई फाइनली, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 12 माइनस 8 कॉमन लिया, एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x प्लस 12 और x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमारे दो फैक्टर्स हो गए। अब हम यहाँ पर ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो वी कैन से दैट x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 12, और अगर x माइनस 8 इक्वल टू 0 लिया तो x की वैल्यू आ गई 8। नंबर ऑफ पीपल माइनस में तो हो नहीं सकते, तो माइनस 12 हमने एक्सक्लूड कर दिया, तो हमारा आंसर हो गया 8। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफोर नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवरनाइट आर 8, सो हेंस दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। अ शॉपकीपर बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹720। इफ द कॉस्ट पर बुक वॉज ₹5 लेस, द नंबर ऑफ बुक्स दैट कुड बी बॉट फॉर ₹720 वुड बी 2 मोर, टेकिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक टू बी ₹x। राइट एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट। सो यहाँ पर आपको प्राइज ऑफ बुक्स गिवन है, दैट इज ₹720, एंड
कॉस्ट ऑफ ईच बुक हम कितना ले रहे हैं, x, ये हमको दिया हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट हमको x लेना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड विल बी 720 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब हमको कहा गया है द प्राइस ऑफ ईच बुक कितनी है, 5 रुपये कम है, दैट इज x माइनस 5। तो अगर नंबर ऑफ बुक्स अब कितनी हो जाएंगी, 720 से x माइनस 5 डिवाइड कर देंगे, तो अगर हम 720 अपॉन x माइनस 5 से माइनस करते हैं 720 अपॉन x, वी गेट 2 रुपीज मोर, ठीक है ना, इतने पैसे उसके बच जाएंगे। तो इस केस में हम 720 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 5, वी गेट x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 2। ये दोनों कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 360 टाइम्स, सो वी गेट, यहाँ पर लिख देते 360 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x माइनस 45 हो गया, यहाँ से हमने 40 कॉमन लिया, x माइनस 45 इज इक्वल टू 0 हो गया, सो वी गेट x माइनस 45 एंड x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 एज अ टू फैक्टर्स। सो वी कैन से x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 45 आ गया, और वी कैन से x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 40 हो जाएगी। तो निगेटिव में तो हम बुक्स नहीं ले सकते हैं, तो ये हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 45। तो नंबर ऑफ बुक्स जो ओरिजिनली थी, दैट इज 45। क्वेश्चन नंबर 3, 5 years अगो अ वुमेन्स एज वॉज स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज, 10 years हेंस हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज, फाइंड द एज ऑफ हर सन 5 years अगो एंड प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन। तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं 5 years अगो, लेट द एज ऑफ सन बी एक्स ईयर्स एंड वुमेन बी स्क्वायर, ठीक है ना, जो सन की एज है उसका स्क्वायर उस वुमेन की एज है। अब प्रेजेंट एज की बात करें, 5 साल पहले है ये, तो अब प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5 ईयर्स, और वुमेन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5 ईयर्स, ठीक है। अब 10 ईयर्स हेंस, 10 साल के बाद, 10 ईयर्स हेंस सन्स एज विल बी, जो x प्लस 5 है प्रेजेंट एज में, 10 साल और जुड़ जाएंगे तो x प्लस 15 ईयर्स हो जाएगा, और वुमेन्स एज विल बी x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 10 ईयर्स, दैट इज x स्क्वायर प्लस 15, ठीक है। तो ये तो हमने एज निकाल दी। अब हमसे कहा गया है 10 ईयर्स हेंस हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन, तो वुमेन की एज ट्वाइस हो जाएगी एज ऑफ हर सन, ठीक है। इससे इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 2x प्लस 30, जिसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसके साइड चला जाएगा तो माइनस में 15 आ जाएगा, सो वील गेट द फैक्टर्स एज एक्स स्क्वायर माइनस 15 के ऐसे फैक्टर्स के 2 आ जाए, 5 3 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन लिया,
एक्स माइनस फाइव, थ्री कॉमन लिया, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, सो वी हैव एक्स माइनस फाइव एंड एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो लिया तो एक्स इज इक्वल टू फाइव आ गया, और एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो लिया तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस थ्री। तो निगेटिव में तो एज हो नहीं सकती, तो एक्स इक्वल टू फाइव हमारा पहला जो आंसर है, द एज ऑफ हर सन फाइव ईयर्स अगो, जो हमने एज्यूम की थी। सो फर्स्ट इज एज ऑफ सन फाइव ईयर्स अगो इज फाइव ईयर्स, ठीक है। अब हमको निकालनी है प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन, प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन, प्रेजेंट एज वुमेन की हमने एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ली थी, एक्स की वैल्यू आई है फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव हो जाएगा, दैट इज ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव, दैट इज थर्टी ईयर्स। क्वेश्चन नंबर फोर, अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 200, इफ द पीस वॉज 5 meter लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 2 लेस, द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड, हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड वॉट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर। तो अगर हम यहां पर मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ एक्स मीटर क्लॉथ दैट इज रुपीज 200, सो कॉस्ट ऑफ 1 meter क्लॉथ कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हमसे कहा गया है 5 meter ज़्यादा क्लॉथ अगर हम खरीद लेते हैं तो 2 rupees कम लगेंगे, मतलब सॉरी दिस इज x, 200 अपॉन x माइनस 200 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 200 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस फाइव, सो दिस विल बी x प्लस फाइव माइनस x इज इक्वल टू 2, ये कट हो गया 100 टाइम्स, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, वी गेट दिस 500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0, सो x कॉमन लिया x प्लस 25 माइनस 20 कॉमन लिया x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 25 एंड x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 विच इज x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, सो x इज माइनस 25 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20। तो नेगेटिव में तो कोई लेंथ हो नहीं सकती तो इसको हम नहीं लेंगे, विल टेक आंसर एज 20। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ इज 20 meter एंड ओरिजिनल रेट पर मीटर विल बी 200 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 10 rupees, 10 rupees पर मीटर के हिसाब से वो कपड़ा मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर फाइव, अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर रुपीज 80, ही हैड बॉट 4 more बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक वुड हैव कॉस्ट रुपीज 1 लेस, हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी एक्स, ठीक है, एंड प्राइज ऑफ बुक्स इज रुपीज 80, सो कॉस्ट ऑफ 1 book विल बी 80/x। अब हमको कंडीशन क्या दी हुई है, अगर 4 और किताबें आ जाती हैं सेम अमाउंट में तो 1 rupee उसको
फ़ायदा हो जाता है, मतलब 80 अपॉन एक्स माइनस 80 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1. 80 कॉमन लिया, यहाँ पर एलसीएम आ गया, एक्स इंटू एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल, 80 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x. तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल टू 0. सो वी कैन राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमने x कॉमन लिया, x प्लस 20 माइनस 16 कॉमन लिया, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर आ गया x प्लस 20 एंड x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. तो दो फैक्टर्स हो गए. सो वी कैन से आइदर x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू माइनस 20, और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 16. तो नंबर ऑफ बुक्स नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो इसको हम छोड़ देंगे. तो हमारा आंसर हो गया 16. सो देयरफॉर द नंबर ऑफ बुक्स बॉट आर 16. क्वेश्चन नंबर 6. टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 11 1/9 मिनट्स. इफ वन पाइप टेक 5 मिनट मोर देन द अदर टू फिल द टैंक, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक. तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय वन पाइप बी एक्स मिनट्स. ठीक है, देन टाइम टेकन बाय सेकेंड पाइप विल बी एक्स प्लस 5. ठीक, और टाइम टेकन बाय बोथ पाइप्स वुड बी 11 1/9 मिनट्स. इसको हम लिख सकते हैं 99 प्लस 1 100/9 मिनट्स. ठीक, तो अब हमें इक्वेशन बनानी है. सो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 100/9. सो दिस विल गेट x इंटू एक्स प्लस 5, दैट इज x प्लस 5 प्लस x इज इक्वल टू 9/100. सो 2x प्लस 5 हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, एंड 9x स्क्वायर प्लस 45x. सो वी गेट दिस एज 9x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200x माइनस 500 इज इक्वल टू 0. सो वील गेट दिस एज 9x स्क्वायर माइनस 155x माइनस 500 इज इक्वल टू 0. सो वील गेट दिस एज 9x स्क्वायर माइनस 180x प्लस 25x माइनस 500 इज इक्वल टू 0. सो 9x हमने कॉमन लिया, x माइनस 20 प्लस 25 कॉमन लिया, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. सो वी गेट x माइनस 20 एंड 9x प्लस 25 एज द फैक्टर. सो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 20 एंड 9x प्लस 25 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 25/9. सो नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है आंसर, सो वील कैंसिल दिस आउट. दैट मीन्स जो टाइम लगा है दैट इज प्लस 20. ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप इज 20 मिनट्स एंड टाइम टेकन बाय
सेकेंड पाइप इज 20 + 5, दैट इज 25 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 7. 2 years ago, a man's age was 3 times the square of his son's age. In 3 years' time, his age will be 4 times his son's age. Find their present age. तो 2 years ago, 2 साल पहले, let son's age be x. So father's age will be 3 times the square of the son's age, 3x square. ठीक है, अब हम present age निकाल देते हैं. तो son's age will be x plus 2. ये 2 साल पहले थी, अब 2 साल के बाद मतलब अभी presently x plus 2 हो जाएगी. और father's age will be 3x square plus 2. अब 3 साल के बाद, सो 3 years आफ्टर, सन्स एज विल बी एक्स प्लस 2 + 3 और फादर्स एज विल बी 3x square plus 2 + 3. तो ये हो गया एक्स प्लस 5, ये हो गया 3x square plus 5. अब हमको जो कंडीशन दी हुई है दैट 3 साल के बाद हिज एज विल बी 4 times हिज सन्स एज, तो फादर की एज दैट इज 3x square plus 5 विल बी 4 times द एज ऑफ हिज सन. सो 3x square plus 5 इज इक्वल टू 4x + 20, दैट इज 3x square minus 4x - 15 इज इक्वल टू 0. सो 3x square minus 9x + 5x - 15 इज इक्वल टू 0. सो 3x कॉमन, x - 9 + 5 कॉमन, सॉरी यहाँ 3 आएगा, x - 3 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास 2 फैक्टर हो गए, x - 3 एंड 3x + 5 इज इक्वल टू 0. सो x - 3 इज इक्वल टू 0 से हमारे x की वैल्यू आ गई 3, एंड 3x + 5 के साथ आ गई हमारी x की वैल्यू -5/3. सो नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे. फाइनली वी हैव x एज 3. तो अब हमको प्रेजेंट एज निकालनी है. सो प्रेजेंट एज ऑफ सन, x प्लस 2 है मतलब 3 + 2, दैट इज 5 years, और फादर्स की एज हो जाएगी 3x square plus 2, मतलब 3 × 3² + 2. 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 + 2, दैट इज 29 years. क्वेश्चन नंबर 8. राहुल सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹56 विच कॉस्ट हिम ₹X. ही फाइंड्स दैट ही गेन्ड x% ऑन हिज आउटले. फाइंड x. सो कॉस्ट प्राइस हमें पता है, नहीं है, उसको हम x ले लेते हैं. सेलिंग प्राइस इज ₹56. गेन क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस दी कॉस्ट प्राइस, दैट इज 56 - x. ठीक है, और हमें गेन परसेंट का फॉर्मूला पता है, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक, तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे दैट x इज इक्वल टू 56 - x / x मल्टीप्लाइड बाय 100. सो वील गेट दिस एज x² इज इक्वल टू 5600 - 100x, मतलब x² + 100x - 5600 इज इक्वल टू 0. सो x² + 140x - 40x - 5600 इज इक्वल टू 0. सो x + 140 - 40 कॉमन लिया, x + 140 इज इक्वल टू 0. सो x - 40 and x + 140 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से x - 40 इज इक्वल टू 0 से x की वैल्यू आ गई 40,
एंड एक्स प्लस 140 से इसकी वैल्यू आ गई एक्स की, दैट इज माइनस 140, विच कैन नॉट बी द आंसर इन नेगेटिव. सो देयर फोर वी कैन से दैट कॉस्ट प्राइस एक्स इज रुपीज 40. सो हैंस दीज आर दी सोल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके या फिर आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम. And you can search my channel on Telegram by the name Unfold Learning. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.